जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं और ये वीडियो थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे बनी है क्योंकि बहुत से बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि जो आर्मी के फिज़िकल चल रहे हैं, जैसा कि दिल्ली में 7 तारीख से फिज़िकल स्टार्ट हैं और 27 तारीख तक फिज़िकल की अलग अलग डेट दी गई है सभी स्टूडेंट की, और सभी के पास नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है या फिर आपकी ईमेल आईडी वगैरह क्लोज हो चुकी है तो आप एक बार उसको रिकवर करा के अपनी ईमेल आईडी पर चेक ज़रूर कर लें कि आपका जो फिज़िकल होना है वो कब होना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बताएंगे कि फ़िज़िकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कितनी दौड़ आपकी मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, और आपको एक चीज़ और बता दें, जो फिज़िकल हैं वो काफ़ी दिनों से लगभग चल रहे हैं, लगभग 1 महीने से चल रहे हैं, लेकिन अभी जो दिल्ली के फिज़िकल हैं वो 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 27 सितंबर तक आपके फिज़िकल होंगे। और फिज़िकल का क्या क्राइटेरिया है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो यह है कि जो एलिजिबिलिटी थी, जैसा कि आप सभी को पता है कि 8वीं 10वीं और 12वीं के बेस पर ये अग्निवीर के फॉर्म निकले गए थे, जिसमें कि 17.5 आपकी एज मांगी थी और 23 साल तक आप अगर एज है आपकी तो आप उसमें एलिजिबल थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब जो एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड आने पर बहुत से बच्चों का डाउट है कि वहाँ पर जब हमारी दौड़ होगी, यानी कि जब हमारा फिजिकल होगा, मेजरमेंट होगा, तो वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, खास तौर पर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को बताने के लिए, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, मॉर्निंग में उठ के अपनी दौड़ लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अगर पूरा नहीं हो पाया एंड टाइम पर तो आपको आर्मी की जो दौड़ है उसका मौका आपको नहीं मिल पाएगा, आपको गेट से ही आउट कर दिया जाएगा, आपको अंदर भी नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लें। और डॉक्यूमेंट्स क्या हैं मैं आपको एक बार सिर्फ बता देता हूँ, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, याद नहीं तो आप उसको लिख के भी रख सकते हैं और एक एक करके डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करवा लें जिनके पास सभी समय है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड आया है आपको वो एडमिट कार्ड निकलवा लेना है, और एडमिट कार्ड के साथ ही डैशबोर्ड पर देखिए वहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एफिडेविट का, तो वो एफिडेविट जो कि 3 पेजों का है उस एफिडेविट को आपको निकलवाना है और 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर उसको अटेस्ट करवाना है। नोटरी से अटेस्ट करवा सकते हैं आप, और नोटरी से अटेस्ट करवाने के बाद आप उसको रख लीजिए संभाल करके, जब आपका फिजिकल होगा उस दिन आपको वहाँ पर वो दिखाना होगा। ठीक है दोस्तों, एक तो डॉक्यूमेंट हो गया ये, दूसरा आपका जो आधार कार्ड है वो करंट का आप डाउनलोड कर लेना, करंट का उसमें डेट वगैरह भी आ जाती है, जो भी आपका लेटेस्ट डेट होगी वो आपकी डेट उसमें मेंशन हो जाएगी। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको जो डोमिसाइल होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको डोमिसाइल बोलते हैं, दिल्ली में डोमिसाइल कंपलसरी होता है और आर्मी की वैकेंसी आपने चाहे कहीं से भी देखी हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे यूपी से हो, या पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी हो, डोमिसाइल कंपलसरी होता है। वो हर स्टेट का अलग अलग बनता है, जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया हो उस स्टेट का डोमिसाइल आपको वहाँ पर देना होता है। तो बात कर ले तो डोमिसाइल की, डोमिसाइल कंपलसरी है, तो डोमिसाइल अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आपको डोमिसाइल बनवा लेना चाहिए, डोमिसाइल वहाँ पर कंपलसरी है, बिना उसके आपकी एंट्री नहीं होगी। 3 डॉक्यूमेंट ये हो गए। चौथा डॉक्यूमेंट क्या है, एक एफिडेविट तो मैंने आपको बता ही दिया जो कि 10 रुपये के स्टैम्प पर है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक अनमैरिड सर्टिफिकेट भी बनेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अनमैरिड सर्टिफिकेट देखिए लगता नहीं है कोई ज़रूरी होगा, लेकिन अनमैरिड सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है, और डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स कोई मांगा गया है तो हमें डॉक्यूमेंट्स तो पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको जो आपका नियर बाय SDM ऑफिस लगता होगा उसके बाहर जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, जो टाइपराइटर वगैरह लेकर बैठे हुए थे, नोटरी वगैरह से अटेस्टेड वो करवाते हैं, वहाँ पर एक आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट पर आपको अपना अनमैरिड का सर्टिफिकेट भी देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो थे 4 डॉक्यूमेंट। उसके बाद एक 5वां डॉक्यूमेंट और है। 5वां डॉक्यूमेंट क्या है, 5वां डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, जो कि आपके नज़दीकी थाने से वेरीफाई होता है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, PCC नहीं करवाई है, तो PCC भी ज़रूर करवा लें, क्योंकि PCC भी इसके अंदर कंपलसरी है। और PCC बनवाने का जो प्रोसेस है मैं बता देता हूँ, उसके लिए आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और किसी भी नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जाकर के आप उस PCC को अप्लाई कर सकते हैं, वो PCC वहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, भरने के बाद उनके पास जब
रिपोर्ट चली जाती है तो वहाँ से वो वेरीफाई करते हैं, आपके पास पुलिस वाले कॉल करते हैं या फिर आपके घर पर आके विजिट करके आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो 3 से 4 वर्किंग डे के अंदर आपकी PCC कंप्लीट होके आपकी ईमेल आईडी पर सर्टिफिकेट आ जाता है। तो वो PCC का जो सर्टिफिकेट होता है कंप्लीट, वो आपको वहाँ पर लगा देना है भर्ती के अंदर, ये भी कंपलसरी है, ठीक है। 4 से बाद आपको लेकर आना है अपने पासपोर्ट साइज फोटो। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हर वैकेंसी में 1 या 2 या मैक्सिमम 4 पासपोर्ट साइज फोटो मांगे जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके 15 से 20 पासपोर्ट साइज फोटो मांगे हैं। और पासपोर्ट साइज की कोई वैसे तो इन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है, लेकिन इंस्ट्रक्शन अगर दे भी दिया हो तो आप उसको एक बार पढ़ लेंगे और देख लेंगे। वैसे वाइट बैकग्राउंड का आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवा लेना है और 20 फोटो खिंचवा लेना, जिसमें से 15 से 20 वहाँ पर मांगे हैं। आपका फिजिकल जब वहाँ पर कंप्लीट होगा तो आपका मेडिकल वगैरह जब होगा, मेडिकल के लिए वहाँ पर अलग फ़ोटो दिए जाएंगे, फिजिकल के वहाँ पर अलग फ़ोटो दिए जाएंगे, इस तरीके से अलग अलग जगह पर फ़ोटो लगेंगे, इसलिए उन्होंने फ़ोटो एक्स्ट्रा पहले से ही मांगे हैं, ठीक है दोस्तों। ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना हो कि डॉक्यूमेंट्स में और क्या, डॉक्यूमेंट्स में कोई और कोई क्या क्वेरी लग सकती है, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट और साथ में लगेंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, हम आपको पूरी डिटेल कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करके दे देंगे, ठीक है दोस्तों। और आपको कोई भी और भी कोई नोटिफिकेशन चाहिए आर्मी से रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन एकदम एग्जैक्ट आती है हमारे चैनल पर। बेशक थोड़ा सा कभी कभार लेट हो जाए वो बात अलग है, क्योंकि कभी कभी समय नहीं हो पाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी आपको तुरंत दी जाए, ठीक है दोस्तों। तो बेल आइकन को क्लिक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेस्ट नॉलेज के लिए, और नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको हर नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी न्यू जर्नी के लिए, अग्निवीर के लिए। धन्यवाद दोस्तों।